ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वापस जाने की तैयारी। सो फ्रेंड्स, हमारा चिकन ऑलमोस्ट भुन गया है हमारे कुक साहब ने। आई हाय, आई विश ना कि आप लोगों को आई हाय टेस्ट तो बाद में करेंगे यार, उससे पहले मतलब जो खुशबू आ रही है प्योर, मतलब अपना देसी घी घर का बना हुआ, जो दूध की मलाई सेव कर करके ये लोग बनाते, उससे बनाया, बाप रे बाप मज़ा आ गया। और यहाँ पे रख दिए गए हैं चावल, और क्या बताऊँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, एक और हमारे यूट्यूबर है, मैं किसी से कोलैबोरेशन नहीं, इन लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। क्या नाम है उनका? लाइफ टू एक्सप्लोर वाले जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, लाइफ टू एक्सप्लोर वाले ही है ना, हाँ, श्रीकांत, हाँ, उनकी वाइफ से मेरी वाइफ ने इंस्पिरेशन ली ऐसे मतलब जटिल परिस्थितियों में खाना बनाने की। पहले इसका ये होता था कि चलो बाहर आए, बाहर से ऑर्डर कर लेते, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उनको देख के हम लोगों ने एज इन मेरी वाइफ के अंदर जो बोलते हैं ना कीड़ा काटा कि चलो हम ऐसे जाते हैं तो हम अब खाना बनाएंगे। तो हियर वी आर आउटसाइड आवर होटल, गाड़ी हो गई है पैक और निकलेंगे। कल शाम का चिकन भी पड़ा है, राइस भी पड़ा है, तो रास्ते में कहीं गर्म करके खाएंगे। और आपको अपने होटल की लोकेशन दिखा देता हूँ। अभी इट्स अ न्यू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बोर्ड लगना बाकी है। ये होटल एवलांच है, कालका शिमला हाईवे पे, इसी के जस्ट बगल में है ये। इफ़ यू कैन सी दिस रोड, दिस गोज़ टू शिमला। यहाँ से शिमला जो लिफ्ट है वो 2.5 किलोमीटर है। सो अगर आप अपनी गाड़ी से भी नहीं आते, यू कैन स्टे, इट्स अ वेरी गुड होटल। और यहाँ से लोकल बसेस चलती है शिमला बस अड्डे के लिए लिफ्ट के पास, जो 10-10 रुपये में आपको वहाँ पे छोड़ेंगी। सो इट्स टाइम टू मेक अ मूव बैक टू दिल्ली। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग विद अस, और रास्ते में आपको रोक के लंच बना के खिलवाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये हमारी येलो टीम फिर से तैयार। पंडित जी पता नहीं कैसी दीर्घ मुद्रा में है, ये दोनों हमारे सूरवीर मोटे मोटे। ऑन द शिमला कालका हाईवे एट द सेम स्पॉट जहाँ हमने कल लंच किया था। हम लोग सोच रहे थे कि कोई और स्पॉट चूज़ करें, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है, ये देखिए, जहाँ ये भाई लोग कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पे हैंडपम्प है। तो खाना बनाने के बाद इट्स वेरी ईजी डिशेज धोने के लिए। अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बर्फ़ है, और कुकर हमारा चढ़ चुका है। पंडित जी बीच में आ रहे हैं, पंडित जी साइड में हटो। हाँ जी, क्या बन रहा है कुक साहब? पाव भाजी मसाला। आज पाव भाजी मसाला, और हमने बंस ले लिए थे, पाव तो मिले नहीं, और ब्रेड ले ली, और ये रेडी टू ईट पाव भाजी मसाला। हालांकि दीज थिंग्स रेगुलर बेसिस में थोड़ी अनहेल्दी होती है, लेकिन वंस इन अ वाइल चलता है। तो चलिए, जब बनता है तब आपको दिखाते हैं। तब तक ये नज़ारा, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और अगर आप देख सकते हैं आगे तो ये आपको ब्रिज दिखेगा, ये ट्रेन का ब्रिज है। हो गया। वो दो सैंडी, ये देख। तो जब खाना रेडी होता है तो फिर वापस मिलते हैं। बन चुकी है पाव भाजी, और कुक अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे, कह रहे बहुत अच्छी बनी। नहीं, वाकई में अच्छी। सैंडी कैसी बनी है? इट्स वेरी गुड। सो दिस इज द रेडी टू ईट पाव भाजी। डिलीशियस। पाव तो नहीं, मैं ब्रेड भाजी बोलूंगा, क्योंकि हमने पहले ब्रेड से किया। और अगर कुछ कमी पेशी हुई तो अभी पालक पनीर भी बनाएंगे, वैसे मेरे ख्याल से तो पेट भर जाना चाहिए। और इसके बाद हमारी मिसेस बनाएंगी बढ़िया गर्म गर्म चाय, अदरक वाली। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं कह रहा हूँ, ऐसे एडवेंचर करने में आता बहुत मज़ा आया यार ना। नहीं, ये देखो पंडित जी पाव भाजी के साथ नमकीन भी खा रहे हैं। उनका टेस्ट कुछ अलग टाइप का है। हाँ, कुछ अलग टाइप का है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड हो गई थी ख़त्म, फिर से सेकनी थी, तो वाइफ को आइडिया आया रात के बचे हुए चावल क्यों ना यूटिलाइज कर ले। और मैं बता रहा हूँ, पहली बार मैं भाजी के साथ चावल खा रहा हूँ। आपकी वाइफ को पंडित जी ने आइडिया दिया? अच्छा, पंडित जी का आइडिया था। चलो पंडित जी भी थोड़ा थोड़ा शो स्टील कर लेते हैं, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हैविंग राइस विद भाजी, एंड आई डोंट नो बिकॉज इफ यू नो इट इज़ द एनवायरनमेंट या फिर जिस जगह हम कैंप करके खा रहे हैं वो वैसी है, कि इतना अमेजिंग लग रहा है इसका टेस्ट। टू डिलीशियस। देखिए कुछ नहीं है, जो बची हुई भाजी है उसके साथ रात का बचा हुआ चावल, और भाजी है, गरम चावल है ठंडे, तो एक अलग सा ही टेस्ट आ रहा है इसका।
चलिए खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद यही पतीला यूज़ होगा चाय बनाने के लिए, तो आपको फिर चाय पे मिलते हैं। सो चाय बन चुकी है, पंडित जी चाय की चुस्की लेते हुए एंड श्रीमती जी भी चाय की चुस्की लेते हुए, शक्ल से बचेंद्री पाल लग रही है इस समय। और मैंने इनसे बोला कि व्हाई डोंट यू मेक अ ब्लॉग, कैरी बड़ी जोर की सुसवाई मनी बना रही और बस चाय पियेंगे, उसके बाद ये रहेगी हमारा हमारी राह दिल्ली के लिए। चलिए मिलते हैं। वो मैं लेके आया हूँ सोलन से, पहले से मैंने गाड़ी खींची है और आप ये लगाइए कि ऑलमोस्ट कौन सी जगह नहीं तो शोगी से पहले हमें टायर वाला उस दिन मिल पाया था, वो भी नेक्स्ट डे मिला। सो फॉर्चुनेट इनफ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो गई कि स्टैंड स्टिल हो गए हम लोग। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग, वी प्रॉब्ली सोलन पे या फिर हम धर्मपुर पे रोकेंगे, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे वहाँ पे। फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे चिकन का अचार बड़ा फेमस है, सो एक वो चीज़ मैं ख़रीदूँगा। इनफैक्ट अगर कुछ अच्छी रेड वाइन्स या फ्रूट स्क्वाश हमें मिले हम वो भी ख़रीदेंगे यहाँ पे। और आगे मेरी वाइफ की फेवरेट गाड़ी जाते हुए फोर्स, लेकिन ये ट्रैवलर है 15 सीटर, ये फोर्स गोरखा की दीवानी है। सो वी आर प्लानिंग कि साल दो साल जब भी हो ऊपर वाले की कृपा बरसे, मेहनत करें हम, आप लोगों का सपोर्ट मिले, हम फिर अपने सारे व्लॉग्स फोर्स गोरखा में ही करेंगे और वो और ज़्यादा चैलेंजिंग व्लॉग्स होंगे जिसमें कि हम उस गाड़ी के ज़रिए अच्छी अच्छी जगह, चैलेंजिंग रोड्स, चैलेंजिंग कंडीशंस इस जगह हम जा सकें। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग गाइस, थैंक यू पंडित जी। फ्रेंड्स, वी हैव क्रॉस्ड कांडा घाट और यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर्स दूर सोलन का शहर है। अगर आप ये जगह देख रहे हैं तो इस जगह मैंने पिछली बार गाड़ी रोकी थी और काफ़ी स्नोफॉल आपको दिखाया था और इनफैक्ट अपना फ्लैट टायर भी दिखाया था, तो ये वही जगह है। बट सिंस इट्स बीन 2 डेज ऑफ सनलाइट, द स्नो इज मेल्टेड, नाउ इट्स बैक टू इट्स नेचुरल फॉर्म। अभी हम एक टॉय शॉप में रुके थे, वहाँ से अपने बेटे के लिए हमने लकड़ी का एक ट्रैक्टर लिया। सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द शॉपकीपर, हू सेड कि इस वेंसडे फिर से स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है, तो अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है दोस्त। फॉर दोज ऑफ यू जो आना चाह रहे हैं फिर से यहाँ पे स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए, वेंसडे थर्सडे प्रेडिक्शन है। सो पीपल, हमने धर्मपुर क्रॉस कर लिया एंड वी आर अबाउट टू हिट द प्लेन्स। अभी टोल दे के हम लोग आगे आए हैं, कुछ खास नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग की थी धर्मपुर से, चिकन का अचार लिया, 2 स्ट्रॉबेरी वाइन की बॉटल्स ली और खूब सारे आम पापड़ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं। सो इफ़ यू गेट अ चांस टू पास फ्रॉम दिस प्लेस, धर्मपुर पड़ता है जहाँ से एक रास्ता कटता कसौली के लिए और सीधा रास्ता जाता है शिमला के लिए। यहाँ पे HPMC की काफ़ी ज़्यादा वाइन शॉप्स हैं एंड पर पर्सन आप एक बॉक्स इंडिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हो। एक बॉक्स पर मेरे ख्याल से 6 बोतल या कितनी होती है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आप बताना। खैर हमको तो लूज चाहिए थी 2-3 बॉटल्स, तो वो हमने ले ली एंड इट्स प्रीटी चीप, 350 रुपीज़ पर वाइन बॉटल, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दीज थिंग्स, तो वहाँ पे एक्साइज जो होती है वो उन्होंने बिल्कुल कम कर रखी है, दैट इज़ वाई यू गेट दीज वाइन बॉटल्स फॉर यू नो सच चीप प्राइसेस। 150 रुपये की उनकी फ्रूट बियर्स भी थी, मतलब विथ 8% एल्कोहल, वो हमने लिए नहीं बिकॉज आई एम नॉट रियली इन टू बियर। और चिकन का अचार लिया है, होम मेड, कंपनी का नहीं, होम मेड, जो वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखो इट विल लास्ट फॉर 1.5 मंथ, सो काफ़ी बढ़िया है वो। और सैंडी जी आपको, सॉरी पंडित जी आपको नज़ारा दिखाते हुए, पता नहीं है चंडीगढ़ वाला आगे कर क्या रहा है, एकदम से रुक गया। सो पीपल, वी हैव क्रॉस्ड हिमाचल, हमने एंट्री ले ली है हरियाणा में आई गेस, और पिंजौर के आसपास है। सैंडी शो दैट वाटर बॉडी, आगे पे एक डैम टाइप का दिख रहा है मेरे को, काफ़ी सारा पानी है उसमें। सो आई रियली हैव नो क्लू ये है क्या, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा खासा पानी है, इट्स बिग रिजर्वॉयर और काफ़ी देर से हम इसको देख रहे थे,
और अभी अभी हम बचे, हम लोग जब धर्मपुर क्रॉस कर रहे थे, मैंने आपको बताया मैं वहाँ से क्रॉस किया अभी, तो वहाँ पे हिमाचल पुलिस लगी हुई थी मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। तो दूर से गरीबत है कि हमने देख लिया, देन वी हैड टू पुल अप आवर मास्क, क्योंकि हम दोनों के मास्क लगे नाक के नीचे, तो ऑल्दो वी वर वेयरिंग इट। चलान होते होते हमारा बचा है उसमें। तो अब चल रहे मंजिल की ओर, दिल्ली की तरफ। वो सैनी ये देखो जलाशय, इतना इतना बड़ा रिजर्वॉयर है, बताइएगा दोस्तों इसके बारे में। एंड यहाँ से आप राइट लोगे तो आप पहुँचोगे कालका और पिंजौर गार्डन, और यहाँ से सीधे आप जाएंगे जीरकपुर की तरफ पंचकुला होते हुए, फिर जीरकपुर से हमें लेना पड़ेगा एक लेफ्ट और हम आ जाएंगे दिल्ली वाली रोड पर। सो शाम के बज रहे 6:15 और सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, मेरे ख्याल से अभी 280-270 ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर बाकी होगा। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, अभी भूख लगी तो रात में देखते हैं, फिर सेफ, और अगर हमें कोई सेफ प्लेस मिलती तो वहाँ पे पार्क करके वील ट्राई टू कुक समथिंग, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र और 9 बजने वाले, ये रहे हमारे पंडित जी, और वी डिसाइडेड टू हैव लंच एट अ रेस्टोरेंट बिकॉज कुकिंग एट दिस आवर इन दिस प्लेस इन द डार्क गोल्डन हट इट विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये गोल्डन हट पे हम रुके हैं, यहाँ पे कुरुक्षेत्र पे। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आके। हमारा खाना आ गया, पंडित जी तैयार है खाने के लिए। मेरी बीवी तैयार है। एंड स्पेशल पनीर डिश दैट वी ऑर्डर्ड, क्या थी ये? पनीर रामपुरी। रामपुरी, इट्स पनीर रामपुरी। पनीर रामपुरी एंड दाल मखनी एंड नान। सो मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना ले फिर खाना, कह रही मेरे को इतनी भूख उतनी मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो जी ये तो चालू हो गई, अब मैं भी व्लॉग को यहीं पर रोकता हूँ एंड लेट मी ऑल्सो स्टार्ट ईटिंग। ज़िला करनाल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम टू करनाल डिस्ट्रिक्ट। सो पीछे कुरुक्षेत्र था जहाँ हमने गाड़ी रोकी थी, वी जस्ट हैड आवर डिनर, और व्लॉग करते समय मैंने शायद लंच बोल दिया था, तो उसको प्लीज़ माफ़ कर देना। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली अब, खाना वाना खा लिया है, तो मेरे को लग रहा है रात के 1:30-2 तो बजेंगे। बहुत सारे यहाँ पे ढाबे और ज़्यादातर अभी फुल हैं, आई गेस एवरीवन इज हैविंग द डिनर एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। मनाली से, शिमला से, कसौली से इस समय काफ़ी टूरिस्ट वापस लौट रहे हैं सिंस टुमारो इज़ मंडे। तो चलिए अब दिल्ली पहुँच के ही आपसे बात होती है, अभी तो है दिल्ली दूर 146 प्लस अनदर 60 किलोमीटर्स, टाइम तो लगेगा थोड़ा। ओके, बाय बाय गाइस। सो फाइनली गाइस 1:30 बजे we have reached home, it was a very long and tiring journey but then we enjoyed a lot, shopped and mazi ki baat hai, mera favorite chicken ka achar aur strawberry wine leke hum aaye hain, so aur acha raha, the dinner was also good, so chaliye ghar khulwate hain, I guess mom soyi na ho abhi, to chalte ghar ki aur and then we'll end the vlog. Thank you for staying tuned with us. Thank you and good night. Finally guys, we are home and who is here? दो दिन मिस किया इसने हमें, घर आ गए हैं और बड़ी मुश्किल से बाप रे बाप गए हैं। So here ends our journey and we hope you enjoyed it. So whatever feedback that you have, since it was our first vlog, we want you to give us your feedback and hit the like button and the subscribe button. Hum log aur zyada vlogs ab aapke liye leke aayenge. So signing off now. Bye bye. Bye bye. Good night.